पिछले हफ्ते मिशन उस्ताद पर 0.7% वोटों के साथ मोहित और वसुंधरा और 0.8% वोटों के साथ नरेश और श्वेता से फिर आगे हैं कैलाश और महालक्ष्मी 35.5% वोटों के साथ और एक बार फिर सबसे आगे हैं रूप कुमार और सोनाली राठौर जिन्हें मिले हैं इस हफ्ते 63% वोट। तो अब भी रूप कुमार और सोनाली राठौर हैं उस्ताद के खिताब के सबसे करीब और बाकी बचे सिर्फ 2 लक्ष्य। इन 2 हफ्तों में आप किसका कितना साथ देंगे अब यही तय करेगा मिशन का उस्ताद। प्यार ये है आज का मिशन, मिशन उस्ताद। वेलकम टू मिशन उस्ताद। 26 जुलाई 2005 बेतहाशा बारिश में मुंबई डूबने लगा। लोग 16 घंटों तक सड़क पर फंसे हुए थे। लेकिन इससे पहले कि जिंदगी हमेशा के लिए सो जाती, प्यार जाग उठा। आसपास के घरों से हाथ आगे बढ़े, कोई सैंडविच के पैकेट थामे हुए थे तो कोई दूध के बॉटल। जहां कुछ मिनट पहले मायूसियों का अंधेरा था, वहीं उम्मीद की लौ टिमटिमाने लगी। कई खौफनाक हादसे टल गए क्योंकि सही वक्त पर प्यार ने अपना असर दिखा दिया। मिशन के दौरान हमने जो भी मुद्दे उठाए उन्हें पूरा करने की पहली शर्त है प्यार। इंसानियत के लिए प्यार, जिंदगी के लिए प्यार, प्यार बांटते चलो, यही है हमारा इस हफ्ते का लक्ष्य। पर इससे पहले कि गीतों का सिलसिला शुरू हो, आज आपको मिलना है एक बहुत ही खास मेहमान से, एक ऐसी मेहमान जिसकी प्यार और हमदर्दी की भावना को सराहा गया है। जिस प्यार को हम इंसानियत कहते हैं, शायद उस प्यार को इंसान से बेहतर कुछ जानवर समझते हैं। कुत्ती की आंखों में ये सारे बच्चे एक जैसे हैं। कुत्ती अमीरी गरीबी नहीं जानती, धर्म जात नहीं जानती, और कुत्ती कभी किसी की मायूसी और मजबूरी पर तरस नहीं खाती। ये तो बच्चे विकलांग है, सो दे आर डिप्राइव्ड ऑफ मेनी थिंग्स इन देयर लाइफ। कुत्ती यहाँ लाने से हमने उनकी जिंदगी में थोड़ा सा आनंद, थोड़ा सा खुशी लाने की कोशिश की। जो बच्चा कभी अपने व्हीलचेयर से उतरने की कोशिश नहीं करता है, वहाँ वो स्ट्रगल करता है उतरने के लिए, जस्ट बिकॉज उसको कुत्ती के पास जाना रहता है। पृथ्वी का सबसे समझदार प्राणी इंसान इस प्यारे से जानवर से बहुत कुछ सीख सकता है। एक ऐसी मोहब्बत जो जान पहचान की भी मोहताज नहीं। अगर ना सीखे तो हमारा हर लक्ष्य अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि सिर्फ इस प्यार ही से तो भर सकती है ये मुस्कुराहट। प्लीज वेलकम कुटी। हे कुटी, हे कुटी, से हेलो टू एवरीवन। ये है मिनाल कवीश्वर, कुटी की ट्रेनर। आप हमें बताइए कुटी के बारे में। आई नो दैट कुटी एक प्रोफेशनल वर्किंग डॉग है। कुटी बहुत ही स्पेशल डॉगी है, कोई ऐसी वैसी डॉगी नहीं है। कुटी एक्चुअली एक थेरेपी डॉग है, और वो जब 4 महीने की थी तब से वो एक मेंटली रिटार्डेड बच्चों के स्कूल के लिए थेरेपी डॉग बनने के लिए उसे ट्रेनिंग दिया गया है। उसको ऐसा ट्रेनिंग दिया गया है कि मेंटली रिटार्डेड बच्चों में जो इमोशनल रिक्वायरमेंट्स होती है, सोसाइटी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे करती है कि थोड़ा भेदभाव हो जाता है नॉर्मल बच्चों में और स्पेशल बच्चों में। एनिमल्स के पास एक यूनिक क्वालिटी है कि
क्योंकि वो कभी भी ऐसे जजमेंट पास नहीं करते हैं, दे आर टोटली नॉन जजमेंटल, दे गिव यू अनकंडीशनल लव, एंड कुट्टी रिप्रेजेंट्स जस्ट दैट, एंड शी इज बीन डूइंग दिस, एंड शी इज बीन यू कैन से इमोशनल सपोर्ट फॉर ऑल द मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन एट आनंदीगे जिद्द स्पेशल स्कूल इन थाने, एंड कुट्टी इज द फर्स्ट इंडियन थेरेपी डॉग टू विन दिस काइंड ऑफ एन अवार्ड. थैंक यू वेरी मच. यू कैन टेक अ सीट ओवर देयर. और कुटी मिसाल है उस भावना की जिसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं, एक ऐसी मोहब्बत जो जान पहचान की भी मोहताज नहीं हो, आकाश से भी अनंत प्यार का साया है, जहाँ बड़ी से बड़ी शक्ति हार गई प्यार काम आया है. यही पैगाम है हमारी पहली जोड़ी का.